गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग ऑल। पिछले टर्म पे हमने न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म का अध्ययन कर लिया था और उसी चैप्टर में आगे बढ़ते हुए आज का टॉपिक है प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो पहले इसके ऊपर हम किसी पर मौका क्या होगी प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड वे कोशिकाएं जिनमें केंद्रक बिना किसी वे कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स कहलाते हैं। द्विज कोशिकाएं आर प्रेजेंट विदाउट द्विज कोशिकाएं आर प्रेजेंट न्यूक्लियस विदाउट सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड यूकैरियोट प्रोकैरियोटिक सेल्स। यानी ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ बिना झिल्ली के उपस्थित होता है क्या कहलाती है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। ठीक है, ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ विदाउट झिल्ली के उपस्थित होता है कहलाती है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। जैसे जीवाणु बैक्टीरिया में कोशिका होगी कौन सी होगी प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। ठीक है, और हरे शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी कहाँ पाए जाते हैं हमारे धानों के खेत में। अब आप लोग देखेंगे धान के खेत जैसे खान खेत होते हैं तो उनमें क्या करें पानी भरे होने से नीली नीली काई जमा हो जाती है, उसे वो होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। समझ में आ गया होगा, ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ बिना केंद्रक झिल्ली के उपस्थित होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स कहलाते हैं। जीव कोशिकाएं आर प्रेजेंट न्यूक्लियस विदाउट सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल एग्जांपल बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, और दूसरा क्या है यूकैरियोटिक सेल्स, तो ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक झिल्ली के साथ प्रेजेंट होता है क्या कहलाती है यूकैरियोटिक सेल्स। उदाहरण क्या हो जाएंगे मनुष्य मैमल ये व्यक्ति जितने भी जीव हो जाएंगे। यानी द्विज कोशिकाएं आर फाउंड न्यूक्लियस विद सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल्स एग्जांपल ह्यूमन एंड एक्सेट्रा एनिमल। और जो जीवों में पाई जाती है वो क्या कहलाती है यूकैरियोटिक सेल्स, और बैक्टीरियो में पाई जाती है वो कौन सी होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, देखो यूकैरियोट और प्रोकैरियोट सेल्स के बाद हमने परिभाषा इसकी ज्ञान पढ़ ली, अब इसके बाद अंतर आता है यूकैरियोट डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। देखो इसमें क्या होगा डिफरेंस बता देते हैं बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। अब इसमें अंतर बताना है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में, तो इसमें कुछ मेन अंतर होते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में। देखिए पहले क्या होगा, ठीक है पहले जीनेट इसमें लाइसोसोम्स ठीक है, तो क्या होगा लाइसोसोम्स यूकैरियोटिक सेल जो यूकैरियोटिक में होगा वो क्या होगा प्रेजेंट होगा और इसमें प्रोकैरियोटिक में अब्सेंट होगा। लाइसोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होगा अब्सेंट होगा और यूकैरियोटिक कोशिका में यहाँ लिख लेते हैं प्रोकैरियोटिक लिख लेते हैं और यहाँ लिख लेते हैं यूकैरियोटिक। ठीक है, तो लाइसोसोम इसमें क्या होगा प्रोकैरियोटिक में अब्सेंट और यहाँ क्या होगा यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होगा। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका में लाइसोसोम क्या होगा प्रेजेंट होगा और प्रोकैरियोटिक कोशिका में अब्सेंट होता है। ठीक है, दूसरा आता है माइटोकांड्रिया, तो माइटोकांड्रिया
माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्यों नहीं लिखा हमने, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है? प्रेजेंट होती है, ठीक है। यहाँ क्या होगी, माइटोकॉन्ड्रिया यूकेरियोटिक कोशिका में, प्रोकैरियोट में एब्सेंट होती है माइटोकॉन्ड्रिया, और इसमें प्रेजेंट होगी यूकेरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होती है, और प्रोकैरियोटिक कोशिका में एब्सेंट होती है। ये होगा दो तुम्हारे दो, ये होगा दो। अगला होगा क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट इसमें प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट एंड प्रेजेंट इसमें क्या होगा, एब्सेंट होगा। कि क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है, उसमें पाया जाता है पौधों में, पौधों में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, मनुष्य शरीर में जीव वाली कोशिकाएं उनमें क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, ठीक है। तो यह है पहला पॉइंट, क्या हो गया, प्रोकैरियोटिक कोशिका में लाइसोसोम एब्सेंट होता है और यूकेरियोटिक कोशिका में प्रेजेंट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक कोशिका में एब्सेंट होगी और यूकेरियोटिक में प्रेजेंट, क्लोरोप्लास्ट प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रेजेंट होगा और इसमें क्या होगा, एब्सेंट होता है, ठीक है। ये तो हमारे कुछ हो गए सेल वॉल, और सेल वॉल देख लो एक अगला पॉइंट, कोश का भित्ति इसे बोलते हैं। तो कोश का भित्ति ये ओनली प्लांट सेल्स एंड फंगाई, केवल प्लांट सेल्स होती, ओनली इन प्लांट सेल्स, किसमें होगी, प्रोकैरियोट में प्लांट सेल्स होगी, उन्हीं में कोश का भित्ति प्रेजेंट होगी, और क्या करें यूजली इसमें क्या करें देखो, ठीक है, ओनली इन प्लांट सेल्स में होगी और ये यूजली भी होगी यूजली इन कॉम्प्लेक्स, इन कॉम्प्लेक्स क्या करेगी, ऐसे होगी कॉम्प्लेक्स में काम होगी और किसमें होगी यूजली केमिकली, केमिकल इन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो सेल वॉल प्रोकैरियोटिक सेल्स में किसमें होगी, प्लांट में होगी, और यूकेरियोटिक यूजली केमिकल कॉम्प्लेक्स, और केमिकल यानी रासायनिक उसमें होगी। तो इस प्रकार हमारा ये प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक में अंतर हो गया। पहला प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक का फिर डेफिनेशन दे देता हूँ, प्रमाण देता हूँ। ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं। दीज कोशिकाएं फाउंड केंद्रक इन विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल्स, एग्जाम्पल हो गया इसका बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया होगा उसमें क्या है यूकेरियोटिक सेल्स, ऐसी कोशिकाएं जिसमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के साथ पाया जाता है यूकेरियोटिक, इसका एग्जाम्पल हो गया ह्यूमन, यानी दीज कोशिकाएं आर कॉल्ड न्यूक्लियस फाउंड विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कॉल्ड यूकेरियोटिक सेल्स, एग्जाम्पल ह्यूमन, ठीक है। तो ये हो गया ह्यूमन एंड एनिमल, ये हमारा यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या हो गया, अंतर हो गया। आज के लिए इतना ही, काफी धन्यवाद।